नए स्मार्ट सिटीज की, कैसे होंगे ये स्मार्ट सिटीज, क्या होगी इनकी सूरत, किस तरह की रूपरेखा होगी इन स्मार्ट सिटीज की। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स जिन्हें कहा जाता है, वो आकार लेंगी। कितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे करीब 20 से 25 हज़ार रेजिडेंशियल फैसिलिटीज क्रिएट की जाएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब यहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो सिटी है इस तरह की देखने में लगेगी जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में देश के पहले स्मार्ट शहर गिफ्ट का निर्माण हो रहा है। ये शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर है। गिफ्ट स्मार्ट शहर बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। नदी के किनारे 890 एकड़ की जमीन पर यह पहला स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। यहाँ हर एक आधुनिक सुख सुविधा होगी। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो से भी इस शहर को जोड़ा जाएगा। शहर के अंदर ही 4 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। एलिवेटेड वॉकवे के जरिए मेट्रो स्टेशन को डायरेक्ट शहर की बिल्डिंग से जोड़ा जाएगा। 4 मेट्रो स्टेशन बनेगा, ये जो हम देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। और कोई भी कमर्शियल वो 500 मीटर से ज़्यादा लेंथ में नहीं होगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से। दूसरा हम लोग कर रहे हैं कि उस मेट्रो स्टेशन से हम लोग एलिवेटेड वॉकवे बनाएंगे और हर एक स्टेशन, हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको इवन नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। वो एलिवेटेड वॉकवे से आप बॉम्बे में देखेंगे सब काफ़ी जगह बन रहा है, यहाँ शुरू से हम लोग बनाएंगे मेट्रो स्टेशन से हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए। 890 एकड़ के शहर में 110 ऊंचे टावर बनाए जाएंगे, जिसमें एक गुजरात का सबसे ऊंचा टावर होगा, जिसकी ऊंचाई 420 मीटर होगी। ये शहर गुजरात का कमर्शियल हब बनकर उभरेगा। यहाँ बैंक, एजुकेशन हब, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे। यहाँ इंटरनेशनल कंपनियां भी अपने ऑफिस खोल सकेंगी। जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसमें 5 लाख डायरेक्ट जॉब होंगे, मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में और आईटी, और दूसरे 5 लाख होंगे जिसमें जो जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जॉब। इसके लिए हम लोगों ने पूरे के सिटी में डेवलपमेंट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटी हैं, सभी डेवलप किया है 1 मिलियन जॉब्स के लिए, और विद इन द एरिया करीब करीब 1 लाख आदमी रहेंगे। कमर्शियल के साथ साथ यहाँ रिहायशी टावर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 फ्लैट्स होंगे। साथ ही 890 एकड़ के इस शहर में सिर्फ 40% भूखंड पर निर्माण होगा, जबकि 60% इलाका ग्रीन एरिया होगा। किया आप खुद इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ड्रीम है कि धोलेरा एक ऐसा सिटी बने कि जहाँ इंडस्ट्रीज के लिए सब सुविधा हो, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां बनाने के लिए जा रहे हैं। तो धोलेरा इज द बेस्ट डेस्टिनेशन होगा कि वहां डिफेंस के लिए कल ही एक एमओयू हुआ है एयरबस के साथ, वो भी धोलेरा में आ रहे हैं, धोलेरा के साथ उनका एमओयू हुआ है। देश के लोकप्रिय अखबारों में पिछले 2 वर्षों के समयांतर में दिए जाने वाले समाचारों में क्या बयान किया जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही आसपास के इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जहां धंधे और रोजगार का निर्माण किया जाता है, वहां ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। उदाहरण रूप से IRs are envisaged as global hubs of economic activity. They will be supported by world-class infrastructure, premium civic amenities, and exemplary policy framework. The development of these SIRs is in line with the historic development of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, or the DMIC. These SIRs will also get the logistic support from the upcoming Dedicated Freight Corridor, or the DFC, between Delhi and Mumbai. These momentous developments are part of the golden vision of the state government. They also have the full commitment of the government of India. The ports along Gujarat's 1,600-kilometer long coastline will play a pivotal role in enhancing the effectiveness of the DFC and the DMIC. This strategic maritime location gives Gujarat an edge in global trade and national operations. One of the SIRs that is the flagship development
and which is taking shape at a very fast pace is the समय से आगे की सोच रखता है गुजरात। देश में सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नया कानून बनाया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं आम आदमी को सुलभ हुई। गुजरात की आदत हर बार विराटकाय परियोजनाओं को साकार करने की रही है, जिनके उत्कृष्ट उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: इंडियाज लार्जेस्ट डैम, एशियाज बिगेस्ट लेन नेटवर्क, एशियाज बिगेस्ट ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी, इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ऑल विलेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंडियाज फर्स्ट केमिकल पोर्ट, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इन ऑल विलेजेस, और ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का घर है गुजरात। गुजरात खुद का हिस्सा बढ़ाने में और औरों को अपना हिस्सा देने में मानता है, इसीलिए पिछले कई सालों से सर्वोच्च स्थान पे टिका हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। अब गुजरात फिर से और एक बार अपनी विकास गाथा नए आयाम को छूने जा रहा है। गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण करने जा रहा है, जो पूरे देश की औद्योगिक एवं आर्थिक सूरत बदल कर रख देगा, और वो है धोलेरा। धोलेरा SIR, bigger than biggest SIR in the world, धोलेरा SIR। किसी भी जगह को एक ऊंचे आयाम पे जाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उससे भी कहीं ज्यादा धोलेरा में है। कोई भी लैंड की कीमत तब ही होती है जब वहां पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, और उसके अलावा